हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं इंद्र प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंद्रा द ब्लॉगर। टुडे इज 11/11/21, मतलब 11th of November एंड द डे इज थर्सडे। सो अभी दोपहर के 2:16 के आसपास हो रहे हैं PM। सो गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस गली। यार एक्चुअली मैं टिकट बुक कर रहा था पर मिला नहीं, एंड मुझे 11th को ट्रेवल करना था वो इम्पॉसिबल, 12th को ट्रेवल करना था वो भी मिलना मुश्किल। अब देखते हैं आज 13th का ट्राई करेंगे, 13th का टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तत्काल में। एंड आज मैं गया था यार, मतलब आप लोगों को मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि कुछ तो सरप्राइज़ है, जो गेस कर लेगा अच्छी बात है, नहीं गेस कर पाया तो अभी कोई बात नहीं। सरप्राइज़ ये है कि मैं जा रहा हूँ गाँव, मुझे गाँव जाना है सुमन और इंसु को रिटर्न लाने के लिए, तो उसी के लिए मुझे टिकट बुक करनी है। मैं किसी नई लोकेशन पर आ गया हूँ, मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ मुझे जहाँ जाना है। एक जन को मैं सुबह पैसा दे करके आया था टिकट बुक करने के लिए, उनसे भी नहीं बुक हो पाई। सेकंड सीटिंग का बुक किया था कि यार कहीं नहीं तो जनरल में मिल जाएगा तो वहाँ से भी वो भी चल जाएगा, पर वो भी अभी तक हुआ नहीं, तो मैं जा रहा हूँ पैसा रिटर्न लेने के लिए। एंड आज मैं कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। मेरे दिमाग में भी एक बात आई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए, वो ये कि यार जो भी लोग UP और बिहार से हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, वो ये कि मुंबई से अपने गाँव जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ख़ास करके टिकट्स, रेलवे टिकट्स, वो भी स्लीपर एंड थर्ड AC का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ख़ास करके सीज़न टाइम में जब शादियां वादियां चल रही हों या गर्मी की छुट्टी हो या दिवाली की छुट्टी हो या होली का हो, उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टिकट मिलता नहीं है। यही मेरे साथ भी हो रहा है, मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ अवॉइड करने की कि ऐसे समय में ट्रेवल ही ना किया जाए, बट कभी कभी इमरजेंसी में ट्रेवल करना पड़ जाता है, तो अपने साथ वही हो रहा है, इमरजेंसीज के लिए ट्रेवल करना है। खैर काफ़ी गलियां घूम रहा हूँ यार, 2:16 को निकला था, 2:26 होने वाला है, मतलब 10 मिनट हो गए चलते चलते, उसके पहले का मैं निकला, उसके 10 मिनट पहले का ही निकला था। फिर मैं सोचा कोई ऐसा साइलेंट एरिया मिले जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाए। तो हाँ, मैं ये बोला था कि मैंने कुछ चीज़ें शॉपिंग की हैं आज, तो अभी घर पर चलता हूँ, तो यहाँ से जो पैसा लेने जा रहा हूँ पैसा ले लूँ रिटर्न, एंड फिर घर पे चलते हैं, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या चीज़ें परचेस की हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तैयारियाँ कर रहा हूँ गांव जाने की, पर बात यह है कि मेरे पास उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास वो चीज़ें थी नहीं, इसके लिए परचेस कर रहा हूँ, बाकी कोई खास तैयारी नहीं यार, नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें हैं, नहीं थी इसलिए परचेस किया। तो ये रहे पैसे, 500 लग रहे थे, एंड उनके यहाँ से मैंने एक फॉर्म भी ले लिया है, साई टूर्स एंड ट्रेवल्स करके है, आप लोग कभी आना चाहें, जो लोग यहाँ पर आसपास में रहते हैं नौगर रोड के आसपास वो आ सकते हैं भाईंदर में, तो यहाँ से बुक करने के लिए दिए थे। सेकंड सीटिंग का 700 रुपया, मतलब जनरल वाला ही, काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर मैं बोला स्लीपर नहीं मिलता है तो रिस्क ले लिया जाए। खैर कोई बात नहीं, अभी एक दिन और एक्सटेंड कर देते हैं, कल और ट्राई करेंगे शायद मिल जाए। 2:51, 2:51 आ गया घर पर, घर पे ही नहीं ऊपर वाले रूम में आ गया हूँ। अब चलते हैं फटाफट, अनबॉक्सिंग करते हैं क्या क्या चीज़ लाया हूँ। इस समय आपको जो आवाज़ आ रही है ना, वो रियलमी के ईयरफोन से आ रही है, ये वाला जो मैं लगा के रखा हूँ। यही मैं उस दिन बोल रहा था कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका माइक एकदम मुँह के पास में है, बाकी और मोबाइल्स होते हैं उसमें यहाँ होती है, बट इसमें यहाँ पर है, तो सो दिस इज़ वेरी गुड। ओके, बैग निकालता हूँ और फटाफट अब जल्दी से शुरू करते हैं। आज आप लोगों को ऑडियो रियलमी के ही ईयरफोन से सुनाता हूँ, मुझे पता चलेगा कि इसकी रियलमी का जो माइक है वो कैसा है ईयरफोन वाला, तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये है mobile.com, इसके अंदर है अपना पावर बैंक, ये सेकेंड वन है, इसके अंदर है अपना एक मैं ड्रेस लेकर के आया हूँ वो। सो गाइस, ये है टैक्स इनवॉइस, मूरिया एंटरप्राइजेस जो है अपना, जो अपना पावर बैंक है वो है MI पावर बैंक 3i 10,000 mAh, एंड जो इसकी कॉस्ट है वह है 1,000 rupees टोटल, एंड दिस इज़ पावर बैंक MI पावर बैंक 3i 10,000 mAh, 18 watt के फास्ट चार्जिंग, ड्यूअल आउटपुट एंड इनपुट पोर्ट्स, स्मार्ट पावर मैनेजमेंट एंड 20-layer चिप प्रोटेक्शन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेड इन इंडिया। बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर, और ये मेरी आदत है कि मैं हमेशा कुछ भी चीज़ लाता हूँ तो डेट और अमाउंट लिख देता हूँ। इस पर जो प्रिंटेड अमाउंट है वो है 1299, मतलब 1300 रुपये,
और मुझे मिला है 1000 रुपीज़ में। आपने देखा मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है। खैर अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग एक्चुअली यहाँ पर उसने एक्चुअली शॉप पर ही इसको खोल दिया था, मैंने बोला था खोल करके चेक करने के लिए। यह है पावर बैंक एंड इसके अंदर है केबल, और जो केबल इसके साथ में आती है ये टाइप सी नहीं आती है, ये है माइक्रो यूएसबी। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है अपना पावर बैंक, एमआई की ब्रांडिंग यहाँ पर है, 10,000 mAh सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है यार इसकी। 2 आउटपुट है, एक मोबाइल यहाँ से चार्ज होगा, दूसरा मोबाइल यहाँ से चार्ज होगा। ये इनपुट का है एक्चुअली, टाइप सी से और माइक्रो यूएसबी से। ये है इसका पावर बटन, ऑन हो गया। एक्चुअली गाइस मैंने कुछ ब्रांड्स सेलेक्ट करके रखे थे यूट्यूब वीडियोस देख करके रेफरेंस के लिए कि यार कौन कौन से पावर बैंक्स ज़्यादा अच्छे हैं 1000 रुपए के अंदर 10,000 mAh बैटरी वाले। तो 4-5 मैंने देखे थे, वो आप स्क्रीन पर देख लो, मैंने जो शॉर्टलिस्ट करके रखा था। तो जो फर्स्ट नंबर पर मैंने रखा था MI 3i, वही मुझे मिला भी है। सो आई एम हैप्पी एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार चलेगा अच्छा खासा। इसकी 6 मंथ्स की वारंटी है, और वारंटी मतलब आपके हाथ से कोई डैमेज हो गया उस चीज़ की नहीं है, केबल की नहीं है, पानी वानी में नहीं भीगना चाहिए, टूटना फूटना नहीं चाहिए, पावर बैंक के अंदर इंटरनल कुछ हो गया उसी चीज़ की है। सो अगर आप लोग इसको परचेस करते हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना। सो गाइस जो अपना दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये रुबाब द मेंस बुटीक। ये हमारे भाईंदर ईस्ट के पास ही है, रेल व्यू अपार्टमेंट, बड़ी सी टावर वाली बिल्डिंग है। खैर तो दूसरा जो अपना प्रोडक्ट है वो है ये है एक हुडी जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, एंड मैंने ये वाला कलर लिया है। इसको क्या बोलते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं, शायद इसको आप डार्क ग्रीन कह सकते हैं या फिर मेहंदी कलर कह सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड जो इसकी कॉस्ट है वो है 1500 1499, और ये मुझे मिली है 700 रुपीज़ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट डिस्काउंट कराने के बाद। तो इसको एक बार पहन करके मैं दिखाता हूँ कि मुझे कैसी लगती है। खैर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ है इसका हुडी का ये वाला पार्ट, एंड जो अंदर का मटेरियल है वो भी काफ़ी सिंपल है और अच्छा है।